बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा IRCC की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। सबसे पहली अपडेट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों स्टूडेंट वीजा वालों की। सेकेंड अपडेट के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों इमिग्रेशन मिनिस्टर की। थर्ड अपडेट के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम की। फोर्थ अपडेट के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों TR2PR प्रोग्राम की। और लास्ट अपडेट के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों नैनी वालों की। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बनूंगा दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीजा वालों की। फ्रेंड्स इस टाइम स्टूडेंट वीजा वालों के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड से देखने को मिल रहे हैं। देखा जाए तो दोस्तों जैन इनटेक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि जैन इनटेक मई इनटेक से काफी बड़ा इनटेक कहलाया जाता है, लेकिन उसके पीछे काफी ज्यादा रीजंस थे। बट अब फाइनली दोस्तों मई इनटेक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मई इनटेक वालों के रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छी स्पीड से देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस टाइम के ऊपर मैं इनटेक के अंदर अपनी फाइल सबमिट कराना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जिस स्पीड से इस टाइम रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से पूरी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आपका रिजल्ट टाइम पे नहीं आ पाता, तो भी आप आफ्टर 15 डेज के बाद डेफरमेंट ले सकते हो। अच्छा, इस टाइम दोस्तों जनवरी अक्टूबर और नवंबर वालों के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड से आना शुरू हुए हैं। जिन्होंने भी जनवरी की लास्ट तक अपनी फाइल सबमिट की थी उन सब लोगों के रिजल्ट अच्छी स्पीड से आना शुरू हो चुके हैं, और जिनके रिजल्ट दोस्तों काफी टाइम से पेंडिंग पर थे उनके रिजल्ट भी आराम आराम से आना शुरू हुए हैं। क्योंकि दोस्तों कनाडा IRCC इस टाइम रेंडमली फाइल पिक कर रहा है, इसीलिए एक सीक्वेंस बताना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इस वक्त कनाडा IRCC जनवरी की फाइल्स पे काम कर रहा है, दिसंबर की फाइल्स पे काम कर रहा है, नवंबर की फाइल्स पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे रेंडमली फाइल पिक की जा रही है, जिसकी वजह से जिनकी पेंडिंग एप्लीकेशंस थी वो आहिस्ते आहिस्ते क्लियर हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड अपडेट की, जो कि एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ को लेकर है। फ्रेंड्स हमेशा से लोगों के कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि सर FSWP और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास ड्रॉ कब रिज्यूम किया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों कल की रिपोर्ट के अंदर भी इसके हवाले से अपडेट देखने को मिली थी, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में शेयर की थी। और रिसेंटली भी दोस्तों इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस किया गया है कि इस स्प्रिंग के अंदर आप ड्रॉ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब वो ड्रॉ दोस्तों FSWP का होगा या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का, वो उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस स्प्रिंग के अंदर आप ड्रॉ एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसका मतलब यही है दोस्तों कि आने वाले 3 माह के अंदर अंदर आपको गुड न्यूज देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों TR2PR प्रोग्राम को लेकर। फ्रेंड्स 2 साल पहले ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कनाडा अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया था, जिसको देखते हुए उन्होंने 2021 के टारगेट को पूरा करने के लिए TR2PR प्रोग्राम लॉन्च किया था। क्योंकि दोस्तों कनाडा IRCC ये बात जानता था कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो 2021 का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाएगा, जिसको देखते हुए उन्होंने उनको प्रायोरिटी दी जो कि कनाडा के अंदर मौजूद थे। और इत्तेफाक से दोस्तों ये प्रोग्राम काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, 24 घंटे के अंदर अंदर ही इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम जो थी वो फुल हो चुकी थी। तो अब इस प्रोग्राम में दोस्तों टोटल 90,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से अब तक कनाडा IRCC ने 35,000 लोगों को रिजल्ट्स दे दिए हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों काफी ज्यादा फाइल्स जो हैं वो बैकलॉग में शामिल हैं। तो कनाडा IRCC का कहना था कि इस साल की लास्ट तक 80% से ज्यादा एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर दिया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों 4 अपडेट की, जो कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम को लेकर है। फ्रेंड जैसे कि आप सब जानते हो कि इस बार कनाडा IRCC ने काफी अच्छे नंबर्स दिए थे कि हम इतनी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेंगे, लेकिन अब तक कनाडा IRCC ने इस पर काम शुरू किया ही नहीं है। अब पहले क्या होता था कि जब भी आपको अपने पेरेंट्स को बुलवाना होता था कनाडा, तो आपको डायरेक्टली अप्लाई करना होता था, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि साल के अंदर सिर्फ इतनी फाइल्स को ही प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन अब जो लॉटरी प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स भी मौजूद हैं। लेकिन अब तक दोस्तों कनाडा IRCC की तरफ से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली
पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर काफी ज्यादा कमेंट्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया था। अब बात करते हैं दोस्तों नैनी प्रोग्राम वालों की। तो फ्रेंड्स, इस टाइम के ऊपर नैनी वालों की जो एप्लीकेशंस है उस पे काम शुरू हो चुका है, और जिन्होंने भी 2019 के अंदर अपनी फाइल सबमिट की थी उनके रिजल्ट्स अब आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।